खाली स्पेस को ना लेकर के घरों को तोड़ा जा रहा है। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हाजिर है एक बार फिर इक्वालिटी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अमृत महोत्सव की इस कड़ी में इक्वालिटी न्यूज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया है जो तीन अक्षरों से बना ये शब्द आजादी या अमृत आपको सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ देश में आजादी का जश्न तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल किए जाने का आह्वान। ये स्थिति देश में आजादी के दो भागों में विभाजित होने का ठोस सबूत और बेहतरीन प्रतीक है। आइए एक झलक डालते हैं और आकलन करते हैं क्या वाकई यही आजादी है। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं जन्म से यहीं पर रह रहा हूँ। हमारे दादाजी 47 पार्टीशन के टाइम पे यहाँ पर पाकिस्तान से इधर दिल्ली आए थे, तब से हमारी परिवार हमारा पूरा परिवार यहीं पे सेटल आएगा। मेरे चार चाचा एक मेरे पिताजी, पांच भाई हैं, वो लोग उनके जन्म भी इसी जगह पर हो जाएंगे। पिछले 70 सालों से ज़्यादा हमारा समय हो चुका है, हमारा परिवार यहीं पर रह रहा है। उस समय खुद DDA भी नहीं बना था जब से हमारा परिवार है। आज DDA हमें कहता है कि आप अनऑथराइज हो, हम चलो आपकी बात हम मानते हैं अनऑथराइज हैं। एक तो उन्होंने जो 18 तारीख का घर तोड़ने का लेटर लगाया है उसमें कहा है कि आपको इसके बदले कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और जबकि एक हम मानते हैं कि विकास का कार्य रोड बना रहे हैं, जनकल्याण का विकास है, बहुत हम जनकल्याण के विकास पे बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन उसके बावजूद हम आपको दिखाते आएंगे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर देखिए सीधा रोड आएगा, खाली स्पेस है बिल्कुल, इस खाली स्पेस को ना लेकर के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या नाम होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत कौर है और मैं सिक्खी जाति से हूँ, और आज मेरे को 55 साल उम्र होगी मेरी। यहाँ शादी होके मैं यहीं आई थी, और कहने की बात है कि हमारे मम्मी पापा बताते होते थे कि हम छोटे छोटे थे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ाई हुई थी और चेंज हुआ था, तो जब लोग ये आए थे तो ये छोटे छोटे इसी जगह पे आए थे। और ये कस्तूरबा नगर है, इसका पहले नाम चंद्रावल था, और कस्तूरबा गांधी ने सरकारी मकान बना के गरीब लोगों को दान किए थे, तो तब ये कस्तूरबा गांधी के नाम से कस्तूरबा नगर नाम टिक गया। उसके बाद में आज इतनी उम्र हो गई है, हमें बैठे बैठे इतने पुराने लोग हैं हम, आज हमें उठाया जा रहा है तो किस बात पे उठाया जा रहा है? इस जगह पे हम लोग रह रहे थे तो हमें हमारे को क्यों नहीं हटाया गया था? तब हमारे से बिजली के बिल लिए जा रहे थे, हमारे से वोट लिए जा रहे थे, हमसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब चीज़ें बनवाई हैं, सीवर पड़े हैं, पानी घर में दिया है इन लोगों ने हमारे को, तो आज ये जगह कैसे DDO की हो गई? आते हैं हाथ जोड़ के हमारे से वोट मांगते हैं, बेटियों बहनों हमारे को वोट दीजिए और हम आपकी सहायता करेंगे, आज कहाँ चले गए वो लोग? आज हम अकेले पड़ गए हैं तो आज हमारी क्यों नहीं सहायता कर रही है लोग? इस घर के अंदर ये मेरा घर टूटा फूटा है सारा, इसके अंदर मेरी चार फैमिली हैं। बड़ा बेटा मेरा लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो गया 35 साल का, बहू मेरी विधवा कोठी के अंदर काम करती है, मैं फैक्ट्री में करने जाती हूँ, जब से मैंने सुना घर टूटने वाले 3 महीने हो गए मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, ये मेरे शक्ल का भी क्या हाल हो गया चिंता करते करते। अब भी मैं सुबह से निकल नहीं पा रही थी, कोई 20 लोग मुझे बुलाने आए तब मैं घर से अंदर से बाहर निकली हूँ, नहीं तो मुझे चिंता खाई जा रही कि घर टूट जाएगा, घर टूट जाएगा कहाँ जाएंगे हम, बाहर कमरा किराए पे भी नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी मांगते हैं, किराया डबल मांगते हैं, हमसे इतना है ही नहीं, राशन खाने के लिए नहीं है तो हम किराया कहाँ से भरेंगे? तो हमारे को ये है कि हम अपना घर नहीं टूटने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें बुलडोजर के आगे लेटना पड़े, चाहे हमें कुछ भी जतन करना पड़े, हम हारने वाले नहीं हैं, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। सो रहे हैं, खोल के दिखाना, नहीं नहीं खोल के दिखाओ, हाँ बताइए। मैं इनका मतलब ऑपरेशन हो रखा है, 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, तीसरा अगले हफ्ते बोला हुआ है इसको, तो इसके अपेंडिक्स की आंत फट गई थी। अब हम लोग खुद घर से ही इतना परेशान है, गरीबी से परेशान है, बच्चे से परेशान है, दूसरा हमें सरकार ने घर से भी बेघर कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? इतने परेशान हैं हम लोग घर से, गरीबी है, दूसरी बात बच्चा छोटा 3 साल का बेटा मेरा है, 3 ऑपरेशन होने हैं उसके, 2 हो गए हैं, तीसरा भी होना है। अब हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे घर नहीं तोड़े जाएँ, हम लोग कहाँ जाएँगे, हमसे इतना हमारा किराया कहाँ से भरेंगे हम लोग? 10-15 हज़ार कमाने वाले उसी में महीना गुजारा अपने घर चला रहे, सोचो आटा कितना महंगा है,
तेल कितना महंगा है, हर चीज महंगी, 2 रुपए की माचिस हो चुकी है, कैसे कैसे हैंडल करेंगे। अब ये किराया ऊपर से 10-10 हजार रुपए किराया, 11, 10, 12, 13 है। रूम में हम लोग 4 फैमिली, एक रूम में 4 फैमिली रह रहे के गुजारा कर रहे हैं, हम लोग तब भी ऐसे कह रहे हैं, तो भी हमें इतनी दिक्कत मतलब की परेशानी झेल के, चलो कोई बात नहीं, अपना ये सोच सिर के ऊपर छत है अपना है, कोई किराया नहीं देना, बस बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग, हर चीज दे रहे हैं, तो फिर भी हमारे पता नहीं क्यों सरकार तोड़ रही है। कहाँ जाएं किराए पे, हमें कहाँ कहाँ से किराया मिलेगा, कहीं पूरा कर सकते हैं हम, कोई पढ़े लिखे भी नहीं है ज्यादा, हम कोई अच्छे ये थोड़ी, अभी यहाँ पढ़े लिखे तो कोई जॉब कर ले, चलो ठीक है, तो ये खाए मतलब अनपढ़ लोग कहाँ कमाए कहाँ करे, कहाँ जाए, कोई 10-10, 12-12 हजार में क्या काम होता है बताइए आप। एक जना कमाता है, हमारे सास ससुर वगैरह हम लोग सब उसी में ही खाते हैं, एक मेरे हस्बैंड ही हैं बस, मतलब गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसमें भी कोई सैलरी ज़्यादा नहीं है, कुल 10,000 या फिर 12,000 रुपये ही मिलते हैं, उसमें हम लोग इतना किराया दे देंगे, मेरे बच्चा भी मतलब पैसे दिक्कत में है, उसका भी खर्चा है, उसका भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब खिलाना पिलाना, अभी मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन, हस्बैंड क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मतलब जैसे प्राइवेट जो कोठी वगैरह में गाड़ी चलाते हैं ना वो चला, 10,000 पे सैलरी 10,000 मिलती है या फिर 12,000, यही दो सैलरी है। मेरा नाम प्रीत कौर है। प्रीत कौर, हाँ जी मैडम, कितने सालों से आप यहाँ पे रहती हैं? वैसे आई बिलोंग टू मेरठ, बट आफ्टर मैरिज मुझे यहाँ पर 13 ईयर्स हो गए हैं। 13 ईयर्स हो गए, यस। जो नोटिस आया उसके लिए क्या मत रखेंगे आप? देखो नोटिस तो यही मैं मत रखना चाहूँगी, यहाँ पर जो लोग 70 सालों से यहाँ पर है, जो मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो दादाजी हैं वो यहाँ 70 ईयर से यहाँ पर रह रहे हैं, इवन उनके पास हर चीज़ का प्रूफ है, उन्होंने हाउस टैक्स पे किया है, और मतलब जो भी प्रूफ जो थे, इन्होंने जो यहाँ जगह मतलब खरीदी थी वो 8-8 गज जगह में खरीदी थी, जो पूरी टोटल जगह है 550 गज है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं तो वो अनलीगल जगह कैसे हो सकती है, हाउ कैन पॉसिबल, मतलब लोग जो DDA का मानना है कि अनऑथोराइज जगह है, बट जो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी 4 साल मतलब 4 पीढ़ियाँ यहाँ तक आ गई है, मैं इनकी मतलब पोत बहू हूँ, मैं जो यहाँ रह रहे हैं, मेरे दादा ससुर है, मैं उनकी पोत बहू हूँ यहाँ पर। तो मतलब मुझे यहाँ पर जो हो गया, मेरे को यहाँ 13 ईयर्स हो गया, मुझे मतलब ये 11 अक्टूबर को 14 ईयर्स मुझे कम्प्लीट हो जाएंगे। तो अगर घर टूट जाएगा तो क्या सोचा है आपने आगे के लिए? देखो मैं तो यही सोचूंगी कि अगर मैं नहीं चाहती कि घर, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने बच्चों को आगे मतलब रेंट पे करेंगे। आप जानते हो कि आज के टाइम में दिल्ली के अंदर 11,000, 12,000, 10,000 के अबव रेंट है, उसके अलावा कहीं 5,000 तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर 5,000 में, और इतना फाइनेंशियल कोई भी यहाँ स्ट्रांग नहीं है कि बंदा बाहर मतलब रेंट पे रह सके, या फिर मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे हम, खाएंगे, या मतलब देखो शरीर में बीमारियां भी होती हैं, तो हम मतलब क्या क्या कर लेंगे। सही बात है। तो इस चीज़ को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मनीष सिसोदिया ने शिक्षा एक एजुकेशन को लेके इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है दिल्ली के अंदर, कि भी हर घर में हर एक बच्चों को इतनी मतलब शिक्षा दी जाए कि बच्चा स्ट्रांग रहे, बट ये बताइए अगर बच्चा यहाँ पढ़ेगा, हम यहाँ पर EWS कोटे से ही बच्चों के एडमिशन्स हो रखे हैं, जितने भी इंग्लिश प्राइवेट स्कूल हैं सभी बच्चों के हमारे यहाँ नंबर्स आए हुए हैं, जो 1 किलोमीटर दायरे के अंदर ही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मान लो हम रेंट पे अगर जाते हैं, 1 किलोमीटर दायरे के अंदर अगर कोई बच्चा जाएगा तो हम मतलब कैसे पढ़ा पाएंगे, वहाँ से बच्चों के देखो वैन के भी खर्चे होते हैं, बच्चों के बुक्स के भी खर्चे होते हैं, तो हम मतलब कैसे निकालेंगे इस चीज़ को लेके ना। तो इस चीज़ को लेके हम काफ़ी वरीड हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और ये मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे यही गुंजाइश करूँगी कि ये घर ना तोड़े जाए, घर ना तोड़े जाए। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल हो गए या मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, वो हमेशा से आम आदमी को अपनी प्राथमिकता बताते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। देखो आम आदमी पार्टी ठीक है, यहाँ के कुछ लोग हम आम आदमी पार्टी के अंदर सिविल लाइन्स ऑफिस में गए थे, इवन इन्होंने वहाँ पर ढंग से बात भी नहीं करी किसी से, इवन धक्के दे के उनको मतलब बाहर से निकाला गया कि आप जाओ, ठीक है उनसे रिसीविंग ले ली है, और मतलब हम ठीक है कार्रवाई करेंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। सभी ये कहते कि आएंगे देखेंगे, आज हमारे पास गिविंग मतलब ओनली सिर्फ 2 डेज बचे हैं, 18 को हमारे यहाँ पर मतलब हमें ऑर्डर दे दिया गया है कि 18 को हमारा तोड़ दिए जाएंगे, 16 तारीख तो मतलब 17 तारीख को आप बिल्कुल यहाँ खाली कर दीजिए, 17 तारीख को रात को 12 बजे यहाँ पर DDA मतलब जो बुलडोजर वगैरह है वो सब आ जाएंगे, और मतलब रात को 12 बजे के बाद 17 तारीख को कि यहाँ पर अपना जो भी आपका सामान है वो आप खाली कर दीजिए। तो मतलब हमने अभी तक ऐसा किसी ने कोई खाली ही नहीं करा है, क्योंकि अब अगर हम
सभी यही सोच के बैठे हैं कि हम यही रहेंगे, चाहे हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। दिनांक 15 अगस्त 1947, जिसके उपलक्ष्य में देशवासियों का खुशी मनाना स्वाभाविक और आवश्यक दोनों ही है, पर एक तरफ देश में गीत संगीत से सुसज्जित माहौल, तो वहीं दूसरी ओर किसी को किसी के घर से जबरन बेदखल किए जाने का आह्वान। विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत की इस तस्वीर को लेकर अतः पीड़ा से भरा मन कुछ पलों के लिए जबान की राह को रोक लेता है। खैर, वैसे तो प्रकृति का नियम है, कहीं खुशी तो कहीं गम, पर जब बात देश की आज़ादी की हो, जब बात अमृत महोत्सव की हो, तब ये बात पूरी तरह से नाजायज प्रतीत होती है। यदि आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहे हुए शब्द सुने हो, तो अमृत महोत्सव यानी कि नए विचारों नए संकल्पों का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव राष्ट्र के जागरण का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने का अमृत महोत्सव। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये तस्वीर इन शब्दों पर खरी उतरती है? जिस देश में इंसानी जिंदगी का मोल न हो, वहाँ एक तिरंगे का इन रंगों का मोल समझाया जा रहा है, वो भी उनकी अहम जरूरतों को नजरअंदाज करके, क्या यही राष्ट्रवाद है? आज के लिए इतना ही। इक्वालिटी न्यूज अपने दर्शकों का बिना वक्त जाए के केवल संक्षिप्त व स्पष्ट वर्णन देता है। इक्वालिटी न्यूज हर हाशिए के समुदाय से आने वाली खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए आपके टेलीविजन मंच इक्वालिटी न्यूज पर।